हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपकी इन ट्रेडिंग जर्नी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आपको जो खरीदारी का मौका मिल सकता है वो मिलेगा लगभग 1020 के आसपास। ठीक है, स्टॉक थोड़ा नीचे आएगा, 1020 के आसपास आपको एंट्री का मौका मिलेगा और उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा 1030 के टारगेट के लिए। ठीक है, यदि स्टॉक 1015 का लेवल तोड़ता है तो फिर स्टॉक नीचे 1000 रुपये तक जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है गेल इंडिया। जी हाँ, दूसरा स्टॉक है गेल इंडिया। गेल इंडिया अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। यदि रेजिस्टेंस तोड़ता है जो कि 125 रुपये 10 पैसे के आसपास है, इसको यदि ब्रेक करता है तो फिर स्टॉक 127 रुपये तक जा सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे अगर चलता है कंटिन्यू तो फिर नीचे स्टॉक 123 रुपये तक जा सकता है। अगला स्टॉक है SRF। SRF अपने रेजिस्टेंस पर जो कि 2351 रुपये पर है, इसे ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट 2387 रुपये, फर्स्ट 2387 और फिर 2415 रुपये के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बलरामपुर चीनी मिल। जी हाँ, बलरामपुर चीनी मिल भी अपने रेजिस्टेंस पर है। इसमें भी आपको यदि स्टॉक 432 रुपये 85 पैसे या कहिए 433 रुपये का लेवल तोड़ता है तो फिर आपको 438 रुपये तक जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद और भी टारगेट्स होंगे उस स्टॉक में। 438 के बाद समथिंग 444 तक स्टॉक जा सकता है, तो ये लेवल्स आप ध्यान रखिएगा। यदि रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आता है तो फिर नीचे 425 तक आने की संभावना है। संभावना कम है, बाकी आ भी सकता है। ठीक है, फिर है SBI लाइफ। SBI लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, SBI लाइफ इंश्योरेंस में आपने देखा होगा कि स्टॉक लगातार नीचे चल रहा था, डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू था, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हुआ है तो यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। लगभग अपने सपोर्ट पर है तो यहीं पे आपको एंट्री का मौका मिल जाएगा। स्टॉप लॉस आप 1337 रुपये का लेकर के चल सकते 1338 का लेकर के चल सकते हैं। एंट्री आपकी लगभग 1342 के आसपास हो जाएगी, टारगेट आपका 1361 का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है NTPC। NTPC में आपको एंट्री मिलेगी 239 रुपये 55 पैसे के ऊपर, फर्स्ट टारगेट 241 रुपये 70 पैसे और फिर 243 रुपये 80 पैसे, ये टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो नीचे अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर ब्रेकआउट वाली कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे, जो कि समथिंग मैं मानता हूँ कि आपको 239 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस मिल जाएगा। एंट्री आपको 239 या 240 के आसपास मिल जाएगी और टारगेट आपको 241 रुपये 70 पैसे का हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अपने खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पर, क्योंकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, आपको लेवल समझाने के लिए वीडियो बनाई गई है, तो आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग कीजिएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।